वही दिल्ली में जल संकट गहराया हुआ है। इसी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने WHO बिल्डिंग के पास ड्रेन नंबर 12 पर बैन बैराज का निरीक्षण किया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछली बार यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वह तटबंध को तोड़ते हुए बैराज से टकरा गई थी और इसके लेकर पूरे मामले की तैयारी चल रही है। इस बैराज को नया बनाया गया है। वही 32 HP के 3 नए पंप लगवाए गए हैं। नई मशीनरी भी लगवाई गई है। करीब 5 मीटर चौड़ा पत्थरों का तटबंध बनाया गया है। तैयारियां अच्छी है। किसी भी सूरत में अगर यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो यह भी तटबंध नहीं टूटेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार भी यमुना का पानी शहर में नहीं घुसेगा। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के ITO पे मौजूद हूँ, जहाँ पे हाथी घाट है। इस वक्त मैं अपने सहयोगी सुभाष कन्नौ का दिखाया तस्वीरों में। अगर आपको याद होगा कि पिछले साल जब बारिश हुई थी, मानसून का वक्त था, तो दिल्ली पूरी तरह से डूब गया था, जिसके बाद ये जो बाढ़ है हाथी घाट, ये बाढ़ पूरी तरह से बह गया था, जिसका पानी आसपास के इलाकों में सुप्रीम कोर्ट और ITO की तरफ भी पहुंच गया था, जिसको लेके आज दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज यहाँ पे मौजूद है, जो इसका जायजा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो हाथी घाट डैम है, इसको पहले से काफी मजबूत कर दिया गया है। अगर हम बात करेंगे तो इसको लोहे की दीवारें साइड की गई हैं और इसको पहले से 2 गुना ज्यादा ही मजबूत कर दिया गया है, ताकि पिछली बार जैसे हालात ना हो जाए और पानी दिल्ली के बाकी तमाम शहरों में ना जाए। यहाँ पे जो है पंप भी लगाए गए हैं, ताकि यहाँ अगर बाढ़ की स्थिति बनती है, जो पानी यहाँ पे अगर जमा होता है, तो उनको यहाँ से निकाला जाए, ताकि ITO और सुप्रीम कोर्ट की तरफ पानी ना जाए, ताकि दिल्ली की वजह जिस तरह से पिछले साल बारिश के कारण काफी पानी भर गया था पूरे दिल्ली में। ये पंप नाला नंबर 12 है, जिसको लेके दिल्ली सरकार इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और इसकी पूरी तरह से तैयारी कर रही है और चेकिंग कर रही है, ताकि इसके कोई भी किसी तरह की खामियां या खराबी ना आए। जैसा कि आप देखेंगे, ये जो दीवारें बनाई गई हैं, ये काफ़ी मोटी दीवारें यहाँ पे बनाई गई हैं, क्योंकि पिछली बार ये जो दीवारें भी यहाँ से बह गई थी, क्योंकि काफ़ी भारी तरह से बारिश होने के कारण ये पूरी दीवारें यहाँ से बह गई थी। इस वक्त यहाँ पे जो सौरभ भारद्वाज मौजूद थे, वो इसका जायजा ले रहे थे। अब देखना ये रहेगा कि अगर इस बार दिल्ली में बारिश कुछ ज़्यादा होती है, तो क्या कुछ दिल्ली में बाढ़ की अवस्था फिर से होती है। MK न्यूज़ के लिए दिल्ली से शुभ सेठ।